राजा वीरभद्र सिंह अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद रहे। राजा साहब अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। प्रतिभा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ गया नमस्ते नमस्ते पानी साहब जानते हैं कि किसने काम किया। आप भी काम करते, आप भी विकास करते तो आपको भी जनता वोट देती, सपोर्ट करती। पर आपके 5 साल के कार्यकाल में ना कोई विकास हुआ है, ना कोई काम हुए, और ना ही कोई ऐसी उपलब्धि जिसके किसको लेकर आप दुनिया ये चुनाव के मैदान में उतर सकते हो। आपने उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया जो पूर्व में माननीय वीरभद्र सिंह जी एज मुख्यमंत्री काम करके गए। उनके सभी वो अग्रिम में ही पैसा डिपार्टमेंट को देते थे, डिपार्टमेंट ने वो बिल्डिंग्स तैयार की, चाहे वो शिक्षा की, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे अन्य विभागों की। जो काम विकास है उन्हीं वो क्योंकि नहीं उस वक्त पूरे हो सके, तो इस सरकार को मौका मिला उन कामों का उद्घाटन करने का। तो 5 साल में इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन किया है, जो जनता के सामने, जनता भी जानती है कि ये सिर्फ श्रेय लेने की बात है, पर काम तो कांग्रेस की सरकार ने किया। देखिए, ऐसी कोई गुटबाजी हमारे नेताओं में नहीं है। मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहती हूँ, वी ऑल आर टुगेदर, और ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। वो तो एक ऐसा, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन हो गया, इतने लोग स्टेज पर चढ़ गए, तो उनमें से एक विधायक ने कहा कि अगर ठीक है इतने लोग स्टेज पर रहे, आप किसको उठाएंगे, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था एक चुना हुआ विधायक ऐसा करे, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप स्टेज पर आओ, और अंततः वो आए स्टेज पर। उन्होंने कहा मैं कंफर्टेबल हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं है, तो वो स्टेज पर आए। कोई गुटबाजी की बात नहीं थी। मुझे नहीं इसके बारे में माता किसने ये करी और किसने ये कहा, आई डोंट नो, बट दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। क्यों हम उनको कहें, वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं देश के, सो उनका काम करने का तरीका और है, हमारे कांग्रेस के नेताओं का काम करने का तरीका और है।